आशा कहिए भाभी, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई। भाभी, इस घर की रीत है पहले पूजा पाठ फिर जलपान। चलो चलकर। अरे आशा, चलो ना भाभी। क्या कर रहे हो आशा? अरे मेरे हाथ तो छोड़ो। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। तो एनासिन खा लो। ओ चंदर, मजाक छोड़ो। तुम्हें तो मालूम है मुझे बेटी की आदत है, और यहाँ अभी तक चाय का नामो निशान नहीं। मैंने आज आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है। ऐसी चाय आपने जिंदगी में नहीं पी होगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे घर में सब क्या नमक का काढ़ा पीते हैं? ओ, लगता है उसने फिर वही हरकत की। बहुत शरारती है ना। तुम लोगों ने उसे सर पे चढ़ा रखा है, लेकिन ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसी हरकत उसने मेरे साथ की तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब शरारतें भूल जाएं। ओहो, अब थूक भी दो ना ये गुस्सा। मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेता हूँ। ये अच्छा रिवाज है तुम बहन भाइयों का, वो शरारती करती रहे और तुम लोग माफी मांगते रहो। अब बस करो ना चंदा, मैं दूसरी चाय भिजवा देता हूँ ना तुम्हारे लिए। आई मीन देयर नथिंग टू बी सो हेड अप अबाउट, कूल इट। लो 10 बज गए हैं, आज मैं फिर लेट ही पहुंचूंगा। Now cool it, huh? Don't get angry. सर, यस, आपकी तनख्वाह सर। ओ, आपको आपकी पहली तनख्वाह मुबारक हो सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। केतन, आशा, चंदा, भाभी। अरे चंदा, कहाँ है सब लोग? भैया, क्या है? सब आ गए। जरा एक मिनट पकड़ लो ना। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है, इसलिए तुम्हारे लिए ये पंजाबी सूट। ओ मेरे अच्छे भैया। अरे केतन, तू क्यों मुंह लटकाए खड़ा है? अरे तेरे लिए भी लाया हूं, ये रहा तेरी पैंट और शर्ट, खोल के देख ले। ये अच्छा, आप सब लोग आंखें बंद करो, जल्दी आंखें बंद सब लोग। एवरीबॉडी शट द आईज प्लीज, थैंक यू। अब सब लोग आंखें खोलो, एवरीबॉडी ओपन द आईज प्लीज। भाभी क्या लग रही हैं आप, वाह। अरे भाभी, अगर इस साड़ी में तुमको स्वर्ग की अप्सरा भी देख लेना तो वो भी जल के खाक हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। और एक खुशखबरी, और एक खुशखबरी। हाँ? भैया इतने सालों में रिटायर तो नहीं हुए, लेकिन हाँ आज 5 साल के बाद उनका कोट जरूर रिटायर हुआ है, इसलिए ये रहा भैया का नया कोट। तालियां। आवर लक। भैया, तुम छोटी भाभी के लिए कुछ भी नहीं लाए? चंदर, ये तो तूने बहुत बुरा किया, बहू के लिए कुछ नहीं लाया, ये साड़ी तो उसी को। नहीं 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 भाभी, मैं मना लूंगा इसे। नाराज हो? अरे तुम्हें किस चीज की कमी है? दुनिया भर की नेमतें तो तुम्हारे कदम चूमती, बस कमी है तो सिर्फ चांद सितारों की, जो मैं तोड़ के ला नहीं सकता। मैंने कब तुमसे चांद सितारे मांगे थे? हर पत्नी की ये तमन्ना होती है कि उसका पति अपनी कमाई में से उसे कुछ उपहार ला कर दे। आज अगर तुम मुझे एक फूल भी ला देते तो मैं समझती दुनिया भर की दौलत दे दी तुमने मुझे। मगर तुम तो ये भी भूल गए कि आज मेरा जन्मदिन है। भाभी, आपकी माता जी आई हैं, वहां रखो। जी मालकिन। माँ, जन्मदिन मुबारक हो बेटी। थैंक यू मामा। अरे बहू, तुमने हमें क्यों नहीं बताया, वरना हम मना देते तुम्हारा जन्मदिन। आपने मनाया या मैंने, एक ही बात है। ले बेटी, ये 20,000 रुपए। 20,000? हाँ, मैं आप लोगों की हालत जानती हूँ। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, यहाँ भी उसी तरह मनाया जाना चाहिए जिस धूमधाम से हर साल मैं मनाती हूँ। बेटी,
तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो खरीद लेना। चंदा, ये पैसे वापस कर दो। चंदा क्यों? हाँ जी, आप ये पैसे देकर हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये पैसे लीजिए और अगर अपनी बेटी से मिल लिया हो तो चले जाइए यहाँ से। लीजिए। चंदर। हाँ भाई, चंदर भैया ठीक कह रहे हैं। अगर ये अमीर हैं तो होंगे अपने घर पे, हमारे घर में आके अमेरिका रुबाब जमाने की कोई जरूरत नहीं। ना तो मैंने आप लोगों के गरीबी का मजाक उड़ाया है, ना अपने अमेरिका रुबाब जमाया है। मैं तो अपनी बेटी को पैसे दे रही थी इसलिए कि मेरी बेटी खुले खर्चे की आदी है। माँ जी, हमारा ये घर प्यार और ममता का स्वर्ग है, और अगर आपको इस घर में गरीबी दिखाई देती है तो ले जाइए अपने बेटी को अपने घर। केतन चुप कर। मैं तो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने आई थी, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ, अब अपना भला बुरा खुद सोच लो। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। आज बहू का इस घर में पहला जन्मदिन है, कड़वा घूट पी जाते, झगड़ा ना करते तो क्या जाता तुम लोगों का। भाभी, जन्मदिन तो हम अब भी मनाएंगे, लेकिन अपने ढंग से है केतन। क्यों? पहले जाके बहू को मना लो, रो रही होगी बेचारी। रोने दो भाभी, सेहत के लिए अच्छा होता है। फिलहाल मैं उसके लिए केक लेके आता हूँ, ठीक है? भाभी कहाँ जा रही हो? हम तो आपका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। चंदर भैया केक लेने गए हैं, बड़ी भाभी खीर पूरी पका रही है। अब छोड़ो भी ये गुस्सा भाभी, लगता है आप मुझसे भी नाराज हैं। मैं कसम खाती हूँ भाभी, अब कभी भी आपसे शरारते नहीं करूंगी, कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी भाभी, मान जाओ ना। मैं चंदर भैया और केतन भैया की तरफ से भी माफी मांगती हूँ। बहन गलती करती है तो भाई माफी मांग लेता है, और अगर भाई गलती करते हैं तो बहन आ जाती माफी मांगने। भाभी हट जा, सुनो तो सही भाभी, प्लीज भाभी। जाने दे मुझे। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा रास्ता। नहीं, जब तक भैया नहीं आ जाते आप नहीं जा सकती। भाभी, तुमने आशा पर हाथ उठाया, उसे मारा जिसे हमने आज तक फूल भी नहीं मारा। अरे बड़ी भाभी ने हम बच्चों को माँ का प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, अरे हाथ उठाने की बात तो दूर रही, हमको घूर तक के नहीं देखा। वो क्यों हाथ उठाने लगी? तुम सब उसके आगे कारी जो हो, वो जो कहती है तुम लोग करते हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसको, मुंह पर प्यार जताती है और पीठ पीछे छुरियां चलाती है। भाभी, मेरे बर्दाश्त की ये इंतहा है। अरे बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ, अपने देवरों से मेरी बेइज्जती कराकर ठन पड़ गई होगी उस कुट्टी के कलेजे। भाभी, केतन, ये क्या किया भागे? अपनी भाभी पे हाथ उठाया? रहने दो ये हमदर्दी, तुम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मुझे मार डालना चाहते हो, मेरी जान लेना चाहते हो। चंदा, क्या हुआ? जो पूछो अपने इस भाई से जिसने मुझ पर हाथ उठाया। तुम मुझे ब्याह कर लाए हो, खरीद कर नहीं, जो यहाँ पर मेरे साथ नौकरानी से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। केतन, तूने चंदा पे हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि उसने आशा को मारा। तो क्या हुआ? चंदा उसकी भाभी है, उम्र में भी बड़ी है, लेकिन तेरा क्या हक बनता है उसे थप्पड़ मारने का? तो इसका क्या हक बनता है बड़ी भाभी के लिए अनाप शनाप बकने का? तो भाभी मारती, तूने क्यों मारा? चल माफी मांग। देखो भैया, मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ गलत काम किया है, मैं माफी मांगने वाला नहीं हूँ। इनको घर छोड़ के जाना है तो चली जाए, हमको इस घर में किसी भी घमंडी औरत की जरूरत नहीं है। केतन, माफी मांग। नहीं मांगूंगा भैया मैं माफी। मैं कहता हूँ माफी मांग केतन। नहीं मांगूंगा माफी। मैं कहता हूँ माफी मांग। भैया, माफी भगवान से मांगी जाती है, शैतान से नहीं। चंदर, निकल जा इस घर के बाहर, यतीम कहीं का। बस चंदर बस। बहू, इस घर में न पैसा है न माल मिल्कियत, अगर कुछ है तो बची कुछ इज्जत है, उसे मिट्टी में मत मिलाओ, मैं हाथ जोड़ता। नहीं नहीं भैया नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आप मेरे लिए किसी के सामने हाथ जोड़े। मैं जाता हूँ भैया। नहीं नहीं केतन, तुम नहीं जा सकते। भाभी, तुमको मेरे सर की कसम, मुझे नहीं रोकना। केतन, भाभी, तुमने इस अनाथ को
पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इस काबिल किया कि मैं अपना पेट खुद पाल सकूं भाभी। अरे बस मुझे आशीर्वाद दो भाभी। का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। जी चलो। कहाँ? बचाने। क्या बाजा? किसका? बैंड का, मेरा मतलब है बैंड बाजा। हाँ मैं नहीं बजाऊंगा। क्या देखो है? ज्यादा नखरे नहीं करना। हाँ आज मेरे नाचने का मूड है। और तुम जानते हो क्या? जिस चीज का मुझे मूड आता है ना, मैं वही करती हूँ। अरे अरे भगवान, ला मैं बजा देता हूँ बाजा। अब आए ना मूड में, ये लो। भारी है, बहुत भारी है, बजाओ। कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से? अरे बात नहीं, यहाँ से नीचे से बजाओ। पहले कभी बजाया नहीं था ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। क्या हुआ? कहाँ से आवाज है? पता नहीं, चलो बजाओ। पड़ोसी जागे बाजा कैसे बजे, पड़ोसी जागे बाजा कैसे बजे। बाजा 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 हो राजा बाजा बाजा। पड़ोसी जागे बाजा कैसे बजे, पड़ोसी जागे बाजा कैसे बजे। Thank you.
बंगला भी अपना है, अपना है साजा, बंगला भी अपना है, अपना है साजा, हमको किसी का भी डर क्या है राजा। तबले पे जब थाप जमके पड़ेगी, तबले पे जब थाप जमके पड़ेगी, सारे मोहल्ले की धड़कन बढ़ेगी। तो क्या हुआ, बाजा बजा, बाजा बजा, बाजा बजा हो राजा, बाजा बजा। लगे ना सुर बाजा कैसे बजे, लगे ना सुर बाजा कैसे बजे। जल्दी आओ। पिताजी ये क्या, ये कौन है? सवाल बाद में, पहले प्रणाम करो। शीला तुम भी अपने सास को प्रणाम करो। क्या? हाँ, हम दोनों ने गंधर्व विवाह किया है। पिताजी आपने तो हमारी नाक कटवा दी। तो पहले भी कौन सी लंबी थी? लेकिन आपको इस उम्र में ये क्या सूझी? ये सूझी नहीं है, सूझी है। और अपनी माँ के सामने अपने बाप की तोहिन करता है पिताजी। चुप। अरे भड़कता क्यों है, ये बेचारी दुखी विधवा है। अनाथ आश्रम जा रही थी 2 लाख रुपए दान देकर एक बच्चा गोद लेने के लिए। मैंने कहा 2 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हें बच्चा दे देता हूँ। पिताजी आप मुझे बेचना चाहते हैं? तेरे को आटा नहीं देगा, 2 लाख रुपए कौन देगा तेरे को? और मैं के इतना बुढ़ा हो गया हूँ कि इनकी गोद में एक बच्चा नहीं डाल सकता। लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं। क्या हुआ, मैं भी आ रहा हूँ, मेरी बीवी भी आ रही है। मेरी बीवी को हाथ लगाया तो छोड़ो, सुधी छोड़ो, सुधी छोड़ो, मेरी बीवी को जल्दी आओ, बुढ़ा बहुत उछल रहा है, जल्दी आओ। जिला जिला पिताजी, पिताजी, पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए। काय को शर्म आनी चाहिए, मेरे 20 रुपए का नुकसान हो गया मालूम। पहले मैं उसको होटल लेके गया, क्या चाय पीने के वास्ते, उसके बाद मंदिर लेके गया, फूल खरीदा, हार पहनाया उसको, उसके बाद ऑटो रिक्शा बैठा के यहाँ लेकर आया। वो 20 रुपए तेरा बाप भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ तुम तो बोलोगी पत्नी के बिछड़ने का दुख क्या होता है, कोई मेरे दिल से पूछे। आपको पत्नी के बिछड़ने का दुख नहीं, 2 लाख रुपए का दुख है। हाँ तो 2 लाख रुपए को पत्नी से कम होता है क्या पिताजी? चलो बहादुर, अभी 20 जिंदगी घर में खाना नहीं पकेगा, मैं तो फूल ही खाऊंगा, कितना कड़वा फूल है। हाँ वो तो ठीक है। नहीं भैया, नहीं भैया, अरे कहने का मतलब। अमर प्रणाम बड़े भैया। जीते रहो बेटे,
कब आया अमेरिका से? आज ही आया। शादी मुबारक हो चंदर। थैंक यू अमर। और कैसी चल रही तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? मैं क्या बताऊं, शादी कर लोगे अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा अमर तुम अंदर जाओ। अच्छा आइए। ये लिस्ट बनिया के पास ले जा और कहना सामान भिजवाए। जी अच्छा। और हाँ सुन, कहना बारीक वाले चावल। अच्छा। अमर अरे बाप पायल जीते रहो। कब आए अमेरिका से? आज ही आए भाभी। वहां जाकर तो बिल्कुल अंग्रेज बन गए। मगर दिल हिंदुस्तानी है भाभी। भाभी वो केतन नजर नहीं आ रहा। बात क्या है भाभी? वो घर छोड़कर चला गया। ये क्या है? इन्हें कपड़े कहाँ से लाए? छोटे मुझे पैसे चुराता क्या तू? बिनाई आप तो नपतुला सौदा मंगवाते हैं और इन्हें किने पैसे देते हैं? मुझे देख के वो बनिया के माथे पे सौ सौ बल बढ़ जाते हैं। वो तो उसका एहसान है कि वो मुझे सौदा दे देता है। अरे वो तो हमारा एहसान है कि मुझसे सौदा मंगाते हैं। चोरी करके लाए क्या सब? मैंने चोरी नहीं की है, वो अमर लाया अमेरिका से सामान। अमर आया है? कागज के साथ खा रहे हैं। अरे अमेरिका का कागज पे मीठा होता है। पिताजी खबरदार पिताजी, किसी भी बैग को हाथ मत लगाना। इन सामानों की मैं खरीदारी कर रहा हूँ। एक भी चीज इधर की उधर होगी तो चोरी का इल्जाम उस पर आ जाएगा। तो मेरे को चोर बोला? मैंने कब चोर? मेरे को तू चोर लगता है? सामान की पहरेदारी मैं करूंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ पिताजी। कितना है? थोड़ा सा हूँ। इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो घास के रखवाली पे घोड़े को खड़ा कर दूं। घोड़ा? तूने मेरे घोड़ा बोला? मैंने घोड़ा कब बोला? मेरे घोड़ा बोला? मैंने घोड़ा नहीं बोला। मैं गधे की औलाद हूँ। पिताजी आप सच कह रहे हैं? मैं गधे की औलाद हूँ, मुझे आज ही पता चला मैं गधे की औलाद हूँ। ये गधे का एड्रेस है क्या आपके पास? अमर कहाँ है? अमर गधे के धनराज भैया के घर गए। उन गधों के नहीं, उन फकीरों के करने गए। अब वो गधे फकीर नहीं रहे पिताजी, अब वो बड़े गधे बड़े आदमी बन गए। गधा है? नहीं नहीं कमाल है। करोड़पति खानदान की इकलौती गधी इकलौती बेटी बहू बन के आई है उनके घर में। और चंदर भी 5,000 रुपए महीना कमाता है। मुझे उन गधों से? तू कितना गधा गधा बोल रहा है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं। मुझे इन बातों से क्या लेना देना? लेना देना है पिताजी। अपना अमर धनराज भैया की बहन आशा को पसंद करता है। वो लोग भी अमर को बहुत चाहते हैं। आशा उनकी इकलौती बहन है, शादी में जी खोल के माल देंगे। और करोड़पति बहू भी अपनी ननद की शादी में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। आप जल्दी से रिश्ता मांगने पहुंच जाइए पिताजी, कहीं ऐसा ना हो कि खजाने के इस नक्शे पे कोई दूसरा हाथ फेर ले। मैं कोई इतना गधा थोड़ी हूँ। तो कितने हैं? तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? झाड़ू 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 ले, झाड़ू मार। ये पुराना झाड़ू कहाँ से लाए? सड़क पे उठा के लाया हूँ। कचरा नहीं उठा लाए रास्ते? तेरे होते हुए कचरे की क्या जरूरत? भाभी भैया भैया आज आप काम पे नहीं गए? अरे तुम ही तो कह रहे थे कि तुम रिटायर हो जाओ, तो ऑफिस वालों ने मुझे रिटायर कर दिया। बहुत अच्छा हुआ ये भैया, सच्ची बहुत अच्छा हुआ ये। क्या बात है चंदर? भाभी ये मेरी इस महीने की तनख्वाह। सुनिए मुझे भी 500 रुपए चाहिए। तू सारे पैसे रख ले बहू, अब घर भी तो तुझे ही चलाना है। नहीं भाभी, घर तुम संभालती आई हो इसलिए तुम ही संभालोगी। अरे भाई अब तो तुम लोग अपनी भाभी को गृहस्थी से छुट्टी दे दो ताकि हमारा भी कुछ ख्याल करे। धनराज सेठ दादाजी, ये आपकी बहू चंदा। नमस्ते। कैसे बेटे? नमस्ते लाला। नमस्ते। अरे ये क्या जूते आपने बगल में दबा के रखे हैं? पहनने से घर जाते हैं ना, बाप दादा की निशानियां क्यों खराब करें। अच्छा अच्छा आइए आइए बैठिए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? जी वो जमाना उल्टा हो गया है ना, वरना आपको हमारे यहाँ आना पड़ता। पहले लड़की वाले जाया करते थे, अब लड़के वालों को आना पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ समझ गया लाला जी, बिल्कुल समझ गया। तो फिर रिश्ता पक्का कर डालिए ना। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही है लाला जी। आशा आप सयानी हो गई है, अब ये बोझ भी सर से उतर जाए। अरे अब कैसा बोझ, सुना है चंद्र 5,000 रुपया महीना कमाता है। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है लाला जी।
और बहू भी तो बड़े घराने की है, कम से कम करोड़पति तो होंगे ना? जी हाँ, उनका काफी लंबा चौड़ा कारोबार है और शादी पे भी काफी खर्च किया होगा। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर आदमी खर्च करता है लाला जी। हाँ, और हमारी भी तो एक ही बहन है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ तो करेंगे। जाहिर बात है, और आपकी हैसियत किसी से कम थोड़ी है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा, पंडित जी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के शादी की तैयारियां शुरू करवा देता हूँ। अच्छा। चाय पानी तो पीते जाइए लाला जी, अब तो रिश्तेदारी हो गई, चाय पानी भी पीते रहेंगे। माफ करना, आपके दिल में जितने अरमान है वो शादी वाले दिन निकाल लीजिएगा ना। बापू, चाय वाय पी कर जाइए, शाम का घर का नाश्ता बच जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। क्या हो? नमस्ते। क्यों हुआ? मैं कुछ नहीं बोला। निकल। ठीक किया ना मैंने चंदर? हाँ भैया, बहुत अच्छा किया, अमर बहुत अच्छा लड़का है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शादी का इंतजाम कैसे होगा? अरे शादी है, नाक तो रखनी ही पड़ेगी। सब हो जाएगा भैया, गहने तुम वही डाल देंगे जो आपने मुझको दिए थे। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? चंदा ठीक कहती है भैया, बाकी का ऊपर का इंतजाम भी हो जाएगा, अब आप सिर्फ शादी की तैयारी कीजिए बस। जैसे तुम लोगों ने मेरी माँ को बेइज्जत किया था, वैसे मैंने भी भरी सभा में तुम लोगों की पगड़ी नहीं उछाली तो मेरा नाम चंदा नहीं। अब दूल्हे राजा हमारी रानी बिटिया को ले जाएंगे और हमारा आंगन सोना हो जाएगा। भाभी, भाभी आशा तो दूल्हा बहुत बदमाश है, हमें फेरे में से घूर रहा था। अरे सालियों को नहीं घूरेगा तो और किसको घूरेगा? अरे साली तो आधी घरवाली होती है। कन्या को बुलाइए। सावित्री, सावित्री जाओ, आशा को ले आओ। बस बहू गहने ले आए, कितनी देर? अरे तुम ही जाओ ना, जाके गहने ले आओ। बहू, दीदी, क्या बात है दीदी? वो गहने, ओह मैं तो भूल गई, अभी देती हूँ। वो गहने नजर नहीं आ रहे हैं। क्या? ठीक से देखो बहू, यही होने चाहिए, होने तो यही चाहिए, कबर तो एक ही है। दीदी लगता है गहने चोरी हो गए। गहने चोरी हो गए? सावित्री कह रही थी गहने चोरी हो गए। भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था, अगर इस मौके पर इज्जत गई तो मैं जहर खा लूंगी। तो दीदी रो मत बहू, लेकिन अब क्या होगा? दीदी हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। और नहीं बहू, बारात सर पे खड़ी है, घर की इज्जत का सवाल है। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं अपनी माँ के यहाँ से गहने ले आऊं। मैं अभी आई। नहीं चंदा, नहीं, कहने नहीं तो क्या हुआ? हमारी हमारी बहन ऐसी जाएगी। आए?
झाड़ू फिरा हुआ है, एक भी जेवर नहीं। ओ पंडित बंद करो तुम्हारा ये अंतर मंत्र तंत्र। क्या बात है लाला जी? धनराज जी, आपके घर में कोई मरवर गया है क्या? किसी के चेहरे पर रौनक नहीं है और बहू के तन पे गहने नहीं है, क्या बात है? बात यह है श्यामलाल जी कि गहने थे लेकिन वो चोरी हो गए। ओ, चोरी हो गए हैं? आज ही के दिन चोरी होने थे? लेकिन लाला जी हम सच बोल रहे हैं, भगवान की कसम गहने चोरी हो गए। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मुझे गहने ही चाहिए, मैं 1,00,000 रुपए नकद दे दीजिए। इतना सारा नकद कहाँ से आएगा हमारे घर में लाला जी? तो फिर बैठा अपनी बहन को अपने घर में। हाँ नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कोई आपकी इज्जत का ठेका ले रखा है, और अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो अपनी बहन की शादी का पूरा इंतजाम करके रखना चाहिए था। आपने भी तो अपने भाई की शादी करवाई थी ना, खूब जी भर के जायज लिया होगा। वाह, लेते वक्त तो लोग हाथ फैला के लेते हैं और जब देने की बारी आती है तो हाथ पीछे कर लेते हैं। वाह, चलो डॉ ये शादी नहीं हो सकती। जुड़े नहीं लाला जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। नहीं ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी होगी पिताजी, मुझे दहेज नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। मैंने जो तेरे ऊपर पैसा खर्चा किया है वो तेरा बाप देगा क्या? तू चुप रह, चल चल चल। पिताजी मैं यहाँ से 7 फेरे लेकर ही जाऊंगा। अरे मैं देखता हूँ तू कैसे लेता है 7 फेरे। इन फकीरों से रिश्ता जोड़ने के बाद तेरा सत्यानाश हो जाएगा, याद रखना। चाहे जो भी हो महाराज, तुम मंत्र पढ़ो। नहीं अमर, माँ बाप के मर्जी के बगैर की हुई शादी शादी नहीं होती। हाँ सुना, चल चल, बड़ा आया शादी करने वाला, तू चुप रह। दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा मेरी बहना। राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ये आपने ठीक नहीं किया पिताजी। तो तू क्या चाहता है कि मैं भूखे नंगों की बेटी को अपनी बहू बना के ले आता तुझे? आपके पास किस चीज की कमी है? करोड़पति बहू है उनकी, अगर वो उससे कहते तो अपनी माँ के घर से 1 नहीं 10 लाख लेकर आ सकती थी। बहुत स्वाभिमानी लोग हैं पिताजी, मर जाएंगे लेकिन अपने संबंधियों के घर से 1 पाई नहीं लेंगे। तू बेटा मेरा गुण उनके करा, तू चुप रह। मैंने क्या किया? यही तो बदकिस्मती है कि मैं आपका बेटा हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं आपके कहने से मंडप पर से उठा था। मैंने धनराज भैया की आज्ञा का पालन किया है और अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, कमाऊंगा और गाजे बाजे के साथ आशा को ब्याह कर लाऊंगा। मतलब एक लड़की के लिए तू बाप का घर छोड़ के जाएगा? कौन बाप, कैसा बाप? आपके लिए तो माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी सब पैसा है। और अब संभाल कर रखिए अपने पैसों को। रोकिए रोकिए पिताजी, आपके 4 लाख रुपए जा रहे हैं। बीड़ी क्या पड़ो सोना से माची मांगी ला, घर की नहीं चलेगी। नहीं कैसा कलयुग आया है बहन, घर में जवान लड़की को बिठाकर खुद महारानियों की तरह 16 सिंगार किए घूमती रहती हैं। बेशर्मी की हद होती है बहन, वरना 12 दरवाजे से लौट जाए तो लोग डूब के मर जाते हैं। बेटी हो तब ना, बहनों के लिए कभी भाभियां मरी हैं? सौ चूहे खाके बिल्ली चली हज को। सुना है गहने चोरी हो गए? चोरी का तो बहाना है, घर में छिपा रखे होंगे। भाइयों को भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया? अरे इज्जत गई तो क्या हुआ, गहने तो बच गए। और जो लड़की घर में बिठा के रखी है उसका क्या होगा? अरे होगा क्या, मुंह काला करके भाग जाएगी किसी के साथ, नहीं तो बांध देगी किसी लंगड़े लूले के पल्ले।
अरे चंदन, तू कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहा हूँ भाभी। कब तक लौटोगे? यही कुछ 15-20 दिन में। अपना ख्याल रखना। हाँ भाभी। जीते रहो। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊंगा। आप लोगों के ताने सुने नहीं जाते। घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जिधर से गुजरते हैं लोग उंगलियां उठाते। ये तो दुनिया की आदत है सावित्री। उन्होंने तो सीता माता और भगवान राम पर भी उंगलियां उठाई थी। हम तुम क्या चीज हैं? भगवान पर भरोसा रखो सावित्री। अब तो मेरा भगवान पर से भी भरोसा उठ गया। सावित्री, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ लड़की का बोझ होता है, और जवान लड़की तो एक जीती जागती चिता है। आशा, आशा, सुना आपने? आशा घर छोड़कर चली गई है। क्या लिखा है? आत्महत्या करने जा रही है। नहीं, सोच क्या रहे हैं आप? जाइए उसे ढूंढ लाइए। ऐसी मुसीबत आन पड़ी जिसने तुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। ये पूछो केतन भैया, कौन सी मुसीबत बिजली बंद कर नहीं टूटी हमारे यहाँ? तुम घर छोड़कर चले आए, मेरी बारात लौट गई। ताने मार मार कर मोहल्ले वालों ने भैया भाभी का जीना दुश्वार कर दिया था। अरे पगली, तूने ये नहीं सोचा कि तेरे बारात के लौट जाने पर जो लोग हंसते थे, ताने मारते थे, वो तेरे इस तरह मर जाने पर भैया भाभी को किस तरह जीने देंगे? हैं मेरी बहन, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान बहुत बड़ा है। चल चल घर चल, चल। कुछ पता चला आशा का? नहीं, ये सब गहनों की वजह से हुआ। इसमें किसी का दोष नहीं है सावित्री, दोष हमारी तकदीर का है। तकदीर को दोष क्यों देते हैं आप? दोष तो छोटी बहू का है, हमारे घर से आज तक एक सुई नहीं गई, तो फिर इतने सारे गहने क्या जमीन खा गई? अगर छोटी बहू गहने संभाल के रखती तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। हाँ हाँ, मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा, लेकिन एक बात मत भूलिए, मैं भिखारियों के घर से नहीं आई हूँ। इतने सारे गहने तुम अपने नौकरों की शादियों में दे देते हैं, और आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी यहाँ पे, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ठहरो बहू, अगर तुम घर छोड़ के चली गई तो लोग क्या कहेंगे? मैं अपने मायके जा रही हूँ, आपकी बहन की तरह कहीं मुंह काला करने नहीं जा रही जो लोगों को कुछ कहने का मौका मिले। बहू, चिल्लाइए मत, मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं गहने आप लोगों ने छुपा लिए हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो?
कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अरे रहमी तो कर रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हें ये बिस्तर दे दिया कि कहीं फुटपाथ पर नहीं सोना पड़े बिना बिस्तर के। क्यों वकील साहब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेठ जी। कुर्की के मुताबिक सुई की नोक भी नहीं लेके जानी चाहिए यहाँ से। सेठ जी कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, चंद्र बाहर गया हुआ, उसके आते ही हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। अरे उन्हीं के भरोसे पे तो मैंने तुमको कर्जा दिया था, मुद्दल की तो छोड़ो ब्याज भी नहीं भेजा। आजकल के बाबू लोगों का क्या भरोसा जी, अपना ही खर्चा पूरा नहीं होता तो कर्जा क्या चुकाएंगे। अरे चलो निकलो यहाँ से, ताला लगाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो यहाँ से, चलो। आओ वकील साहब, आओ। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर बार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर बार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर बार न छूटे। चंद्र बाबू कहाँ गए थे? आपका घर तो नीलाम हो गया। नीलाम हो गया? लेकिन मेरे भैया और भाभी कहाँ हैं? वो तो भगवान जाने कहाँ गए होंगे, उनको तो उसी दिन यहाँ से निकाल दिया गया। तुम्हारी बहन घर से भाग गई, उसका गुस्सा तुम्हारे भैया और भाभी ने मुझ पर निकाला, मुझे घर से निकाल दिया। क्या बात कर रही हो चंदा, मेरे भैया और भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं कोई सती सीता तो हूँ नहीं जो अग्नि परीक्षा देकर तुमको विश्वास दिलाऊं। अग्नि परीक्षा तो मेरे भैया और भाभी की हो रही होगी, पता नहीं बेघर होकर कहां कहां भटक रहे होंगे, किस हाल में होंगे। ये लीजिए, दवाई पी लीजिए। जिस दिए की बात ही खत्म हो रही है सावित्री, उसमें तेल डालकर उसे कब तक जलाए रखोगी? ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे जीवन का उजाला है, अब ज्यादा मत भूलिए, दवाई पी लीजिए। सावित्री तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? सावित्री आप हैं तो और बन जाएगा, पी लीजिए ना दवाई। आशा, हे चुटकी, देख मैं 3 राखियां लाया हूँ, एक बड़े भैया के लिए, एक चंद्र भैया के लिए और एक मेरे लिए। अब तू जल्दी से तैयार हो जा, हमें भैया भाभी के पास पहुंचना है और मैं तुम्हारी आज एक नहीं सुनूंगा, चल। अरे फिर रोना धोना शुरू? अरे आज राखी है,
इस शुभ अवसर पर भैया भाभी तुझे जरूर माफ कर देंगे। ये बात नहीं है केतन भैया। तो फिर क्या बात है? आज मुझे रामू काका मिले थे, उन्होंने बताया भैया और भाभी न जाने कहाँ चले गए। क्या? हाँ, अब वो लोग वहाँ नहीं रहते। तो उस औरत ने भैया भाभी को भी घर से निकाल दिया। भैया, समय की पतझड़ में हमारी बगिया उजड़ गई, सारे फूल बिखर गए। अरे अरे पगली, फूल सिर्फ बिखरे हैं, मुरझाए नहीं। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लीजिए, खाना खा लीजिए। अरे तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, फिर ये खाना कहाँ से लाई? आपने सुना नहीं, भगवान भूखा उठाता है लेकिन कभी भूखा सुलाता नहीं। ये समझ लीजिए भगवान के घर से प्रसाद मिला है। प्रसाद? तो क्या अब हमें भीख मांगकर पेट भरना पड़ेगा? जब दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है तो कौन दानी और कौन भिखारी। खा लीजिए ना, तीन दिन से आपने कुछ खाया नहीं। ना जाने कहां से भिख मंगे साले चले आते हैं दरवाजे पर। गाली मत दीजिए सेठ जी, हम लोग भिखारी नहीं हैं। मुझसे जबान लड़ाता है, चला जाए यहां से, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। सालों ने धर्मशाला समझ रखा है। चोट तो नहीं आई सावित्री? इनमें से किसी भी दाने पर हमारा नाम नहीं लिखा था। चलो क्या बात है, क्या हुआ? कमबख्त, मर रहे तो कहीं और जाके मरो, पता नहीं कहां से चले आते। अब चला नहीं जाता, चक्कर आ रहा है। आप यहां बैठ जाइए और थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। मैं अभी आ। क्या चाहिए बहन जी? मेरे पति तीन दिन से भूखे हैं, अगर आप मुझे कोई काम दे तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम्हारी जमानत देने वाला कोई है यहाँ? मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। तो फिर मैं मजबूर हूँ। माफ करना, बिना जान पहचान के हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। सुनिए बहन जी, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तीन दिन से मेरे पति भूखे हैं। बदले में मैं आपका सब काम कर दूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, आप जो कहेंगे करूंगी। सब यही कहती हैं, तरस खाकर तुम लोगों को नौकरी दे दो, घर का सफाया करके चली जाती हो। जाओ जाओ, कहीं और जाओ। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार।
का घर न छूटा। भाभी 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 ये मैं क्या देख रहा हूं भाभी, ये जिन हाथों ने जिंदगी भर सिर्फ दिया वो हाथ आज औरों के सामने फैले हुए। नहीं भाभी नहीं भाभी, अरे इन हाथों पर मेहनत के छाले देखकर कभी इतना दुख नहीं हुआ था जितना ये भीख देखकर हुआ भाभी। और मैं क्या करती कि तो मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। 3 दिन से तुम्हारे भैया भूखे पड़े। भैया कहाँ है भाभी, कहाँ है भैया? नाश्ता बजा रहा हूँ, नाश्ता लाया हूँ। रख दो। कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, शादी में जा रही हूँ। शादी में? इतने सारे गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? फिर टोक दिया ना? नहीं। तुम्हें इसे क्या लेना देना? मुझे कुछ लेना देना? इसे कुछ लेना देना नहीं है मगर मुझे तो लेना देना है कि नहीं। वो क्या है कि तुम इतने सारे गहने पहन के शादी में जाओगी तो चोर उसे के पीछे पड़ जाएंगे। तुम एक काम करो, नकली जेवर पहन के जाओ, मैं इनको सवाल करता हूं। पिताजी ये गहने मेरे नहीं है। फिर किसके? चंदा के हैं, उसने मेरे पास रखने के लिए दिए हैं। चंदा ने? भगवान की कसम गहने चोरी हो गए। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मुझे गहने ही चाहिए। मैं 1,00,000 रुपए नकद दीजिए। इतना सारा नकद कहाँ से आएगा हमारे घर में लाला जी? तो फिर बैठा अपनी बहन को अपने घर में। हाँ चलो डो डो डो, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं लाला जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत। नहीं 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 नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। इसका मतलब गहने चोरी नहीं हुए थे, चंदा ने तुम्हारे पास छुपा रखे थे। लाओ मैं इसे वापस। हाथ नहीं लगाना वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। हाँ मेरे हाथ तोड़ दूंगी। हाथ क्या, सर भी तोड़ दूंगी। तुम्हारी ही मजाओ, मेरी मजाओ देखना चाहती हूँ। मेरे हाथ तोड़ दूंगी, मेरे हाथ तोड़ दूंगी, मेरे हाथ तोड़ दूंगी। कौन किसके पैर तोड़ता है? मेरे हाथ तोड़ दूंगी, मेरे पैर तोड़ दूंगी। बहुत सख्त होता है, मेरी मजाक दिखाना चाहती हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, फिर मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आज तुझे एहसास हुआ? अरे जो औरत स्त्री धर्म निभाना नहीं जानती उसे भगवान नरक में भी जगह नहीं देता। छोड़ो मुझे। पिताजी लाइए ये डब्बा। तू चुप रह। मैं चुप नहीं रहूंगा। पैसों के हवस ने आपको इतना गिरा दिया कि आज दूसरे की अमानत भी हड़प करने को तैयार हो गए। ये डब्बा मुझे दीजिए वरना आज मेरा हाथ आप पर भी उठ जाएगा। तू मुझे मारेगा? हाँ। ये ले।
लेकिन ये गहने तो चोरी हो गए थे, फिर तुम्हारे पास कहां से आ गए? चोरी नहीं हुए थे, चंदा भाभी ने मेरी बीवी के पास रख दिए थे। मुझे भी आज ही पता चला, और जैसे पता चला मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने आया। इन गहनों को रखकर मेरी बीवी ने जो गलती की है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। चंदा डाली, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लाई हूं। अच्छा, जरा आंखें बंद करो। बहुत देर तक आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन आज जब आंखें खुली तो तुम्हारा असली रूप नजर आया। तुम्हें क्या हो गया है चंदर? क्या हो गया है? ये देखो, खोलो। मैं कह रहा हूं खोलो इसे। गहने? हाँ, वही गहने जो चोरी हो गए थे। क्यों, चोरी की चीज बरामद होने पे खुशी नहीं हुई तुम्हें? चंदर, खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया तो आज तक मैं ये समझता था कि तुम गुस्ताख हो, मगरूर हो, लेकिन आज पता चला तुम मक्कार भी हो। चलो चलो, संभालो अपने गैरों को और सांप की तरह कुंडली मारकर बैठो इन पर, ताकि कोई इन गैरों को छू न सके। चंदर, चंदर मुझे माफ कर दो, मुझ में लाख बुराइयां सही, फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पत्नी? कैसी पत्नी है? जिस लड़की की जिंदगी तुमने बर्बाद की जानती हो वो कौन थी? तेरे पति की छोटी बहन, जिसे तुमने घर से बेइज्जत करके निकलवाया, जानती हो वो कौन था? तेरे पति का छोटा भाई, और भरी सभा में जिनका सर तुमने नीचा करवाया, जानती हो वो कौन था? तेरे पति के भैया और भाभी। अरे तूने तो अपने पति का एक एक अंग काट डाला, उस पर भी बीवी बनने का दावा करती हो? क्यों, शर्म नहीं आती तुम्हें? आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया। नहीं चंदर, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं। छोड़ो मुझे। चंदर रुक जा प्लीज। चंदर मुझे माफ कर दो। देखिए, इन्हें टीबी है, मेरे ख्याल से इन्हें जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा दीजिए। कितने रुपए खर्च होंगे डॉक्टर साहब? यही कोई 1000-1500। सेठ जी, आपको मेरी ईमानदारी पर विश्वास है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल है। अगर शक होता तो मैं तुम्हें दूध क्यों देता? मगर तुमने ये सवाल किया क्यों? सेठ जी, मेरे भैया मेरे लिए पिता समान है, बदकिस्मती से उन्हें टीबी हो गई। उनके इलाज के लिए 1000 रुपयों की जरूरत है। अगर वो 1000 रुपये आप मुझे दे दें तो। 1000? देखिए, भगवान के लिए इनकार मत कीजिए, मैं अपने भैया की कसम खा के कहता हूँ, दिन रात मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे पगले, ये ले 1000, और जरूरत पड़े तो शर्माना नहीं, समझा? भैया का ठीक ठीक इलाज करवाना, ये ले। सेठ जी, हाँ, इंसानी भगवान का रूप है, ये आज मालूम पड़ा। सादे, चोरी करता है, उठ।
मारो उसे, ले रहा हरामजादे को पुलिस स्टेशन। अरे ये पैसे किसके हैं? मेरे हैं। केतन तुम? बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। केतन कौन है आप? मैं चंदन हूं केतन, तुम्हारा भाई। कौन भाई, कैसा भाई? अरे जो राम जैसे भाई और सीता जैसी भाभी का ना हो सका, जो सगी बहन का नहीं हो सका, क्या रिश्ता? सारे औरत से हैं जिसने तुम्हें खून के रिश्ते भी भुला दिए। जाओ उसकी गोद में सर रख कर सो जाओ। केतन उस औरत की असलियत मेरे सामने खुल गई है। मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे रिश्ता तोड़ के आ गया हूँ। भैया भाभी और आशा न जाने कहां चले गए। मैं पागलों की तरह दर बदर उन्हें ढूंढता फिर रहा हूं केतन। बहुत देर से ढूंढने निकले हो मेरे भाई। कुछ दिन पहले आते तो भाभी को सड़क पर भीख मांगते देखते, भैया को फुटपाथ पर एड़ियां रगड़ते देखते और आशा को किसी रेलवे लाइन पर खुदकुशी की कोशिश करते हुए देखते। खड़ा खड़ा बच्चों की तरह रोता ही रहेगा, भैया भाभी से मिलेगा नहीं। केतन मेरे भाई, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके जल्दी कीजिए, डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। हमारे भैया की तबीयत बहुत खराब है सिस्टर। वो किसी मरीज को देख रहे हैं, इंतजार कीजिए। डॉक्टर साहब। अमर। अरे चंद्र केतन तुम, क्या बात है? देखो भैया की तबीयत बहुत खराब है। कहाँ है भैया? जल्दी चलो प्लीज। हाँ चलो। चिंता की कोई बात नहीं, भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अमर, 3 नंबर वाले पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उसे जल्दी से खून देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, उसकी तबीयत। किसकी तबीयत खराब है? चंद्र सीढ़ियों से गिर गई, बहुत खून बह गया है, वो बेहोश हो गई है, उसे खून की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब मेरा खून ले लीजिए। नहीं भाभी, कोई खून नहीं देगा, मरने दो उसे। उसकी वजह से आप और भैया को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, आशा और केतन को घर छोड़ना पड़ा। ऐसी औरत से हमारा कोई संबंध नहीं है भाभी, बिल्कुल नहीं। चंद्र, ये सब सुनने के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, क्या इसलिए तुम्हें अच्छे संस्कार दिए कि तुम 7 फेरों का बंधन एक पल में तोड़ दो? देख अपनी भाभी को किस तरह से उस बंधन को निभा रही है। लेकिन भैया। चंदर कुछ भी हो, चंदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अमर कुछ भी करो, मेरी बहू की जान बचाओ, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चाहो तो मेरा खून ले लो। डॉक्टर साहब मुझे विश्वास है मेरा खून उससे जरूर मिलेगा, मुझसे पहले मेरे घर की लक्ष्मी नहीं मर सकती। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे परिवार के बिखरे हुए मोतियों को फिर से मिला दिया। बस एक उपकार और कर दे प्रभु, मेरी बहू को बचा ले, चाहे बदले में मेरी जान ले ले। अब घबराने की कोई बात नहीं, अब ये खतरे से भैया, भैया डॉक्टर ने कहा है भाभी खतरे से बाहर है, मैं जाकर बड़े भैया को बताती हूँ। अरे सुन सुन, बड़े भैया छोटी भाभी को होश आ गया,
अब वो खतरे से बाहर है। आखिर हमारी बड़ी भाभी का खून था ना, यमराज के हाथों से जान खींच लाया। भैया 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 आशा चले गए बड़े भैया, हम सबको छोड़कर चले गए। भैया नहीं नहीं, अरे ऐसे कोई अपनों से रूठता है? भैया 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 भैया, मेरी जरा सी भूल के कारण आपने हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लिया। खामोशी से सब कुछ सहते सहते सदा के लिए खामोश हो गए। एक मौत को रिझाने के लिए इतने सब अपनों को छोड़ गए। भाभी भाभी मेरे बच्चों, तुम्हारे भैया ने तो सिर्फ शरीर त्यागा है लेकिन उनकी जान तो तुम हो। भाभी 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 मेरी असली कमाई तो तुम लोग हो। तुम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो मैं समझूंगा मैंने सब कुछ पा लिया। चंदर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? निकल जाओ यहां से। चंदर चंदर मेरी बात तो सुनो। चंदर तुम ऐसे नहीं मानने वाले। निकल जाओ। चंदर प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्लीज चंदर चंदर छोड़ दे बहू का हाथ। नहीं भाभी मैं कहती हूं छोड़ दे बहू का हाथ। चल बहू घर के अंदर चल, मैं देखती हूं मेरे होते हुए कौन तुझे इस घर से निकालता है। नहीं भाभी ये हमारे घर में नहीं रह सकती है। तू कौन होता है ये फैसला करने वाला? अभी मैं जिंदा हूँ और ये हक तुझे मेरे मरने के बाद ही मिलेगा, मेरे जीते जी नहीं। नहीं भाभी मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। अगर ये तेरा आखिरी फैसला है तो ठीक है, लेकिन बहू इस घर से अकेली नहीं जाएगी। मैं भी जाऊंगी उसके साथ। चल बहू। भाभी तुम हमारे लिए सिर्फ भाभी नहीं हो, भैया हो, मां हो। और जिस घर में हमारी मां नहीं रहेगी हम विवाह नहीं रहेंगे। आओ भाभी। नहीं भाभी तुम नहीं जा सकती, मैंने पिता समान भाई खो दिया, अब तुम्हें नहीं खो सकता भाभी, बिल्कुल नहीं खो सकता। भाभी भाभी नहीं भाभी भाभी मुझे छोड़ के मत जाओ। भाभी तुम मेरी माँ हो, भाभी अपनी ममता का साया मेरे सर से मत हटाओ। भाभी मुझे छोड़ के मत जाओ, भाभी मुझे छोड़ के मत जाओ। इस घर में तुम्हारा ही हुक्म चलेगा, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा भाभी, लेकिन भगवान के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ भाभी, प्लीज चलो। भाभी आ जाइए, आ जाइए बाबू, आइए 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 आइए। शर्मा रहे हैं, शर्मा ही बताइए, आइए। श्यामलाल जी आप चुप क्यों हैं? आवाज बंद हो गई उनकी, बोलती बंद हो गई। तू चुप रहे, बोलती बंद नहीं हुई है, पहले से ज्यादा खुल गई है, बुलंद हो गई। और बुलंद आवाज से कहता हूं कि मुझे मेरी बहू चाहिए। ये बुलंद आवाज है,
हाँ, बिना जहेज के, और चाहिए आप लोगों जैसा हरा भरा घर द्वार। अमर, अपने पिताजी से माफी मांगो। नहीं, माफी ये क्यों मांगे? माफी तो आपको मांगनी चाहिए। मुझे? और नहीं तो क्या? अरे मगर ये तो चुप रहिए। बेटा, अपने बाप को माफ कर दे। मेरा अच्छा बेटा। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है मेरा घर द्वार।